गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन 5 गृध्र मार्जार कथा। गृध्र गीध, मार्जार बिलार, उद बिलार या बिलार की कहानी। इस पाठ में भूतकाल की क्रिया सम का समा का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं कत्वा प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है कर। तो चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। अस्ति एकस्मिन बने एका विशाला बट वृक्ष, यहां से लेकर निर्वाहा भवति समा। एक वन में एक विशाल वट का वृक्ष था, चिड़िया उस वृक्ष पर घोंसले बनाते थे। घोंसलों में वे अपने बच्चों को पालते थे। पेड़ में एक खोखल था, खोखल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। बुढ़ापे के कारण वह बलहीन अर्थात कमज़ोर और कमज़ोर नज़र वाला हुआ, अर्थात उसकी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई थी। स्वयं भोजन खोजना उसकी समर्थ नहीं थी। चिड़ियाँ अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे देते थे। इस प्रकार पक्षियों की कृपा से उसका जीवन निर्वाह होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ सेकेंड। स गृध्र कृतज्ञ आसीत ये टू निश्चिंता अभवन। वह गिद्ध कृतज्ञ था अर्थात उनका एक सानमन था। पक्षियों की अनुपस्थिति में वह उनके बच्चों की रक्षा करता था। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, अब कोई भी चिंता नहीं है, यह सोचकर पक्षी निश्चिंत हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। दुर्दैव वशात एकदा एका मर्जारा इता तथा भ्रमण, यहाँ से लेकर जाता। दुर्भाग्यवश एक बार एक बिलाव इधर उधर घूमता हुआ वहाँ आया। गिद्ध उसको दूर से देखा। उसने सोचा निसंदेह यह इन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए इस ओर आया है या आ रहा है। क्या करूं, पक्षियों की जान को खतरा हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। स ऊंचे आवदत, यहाँ से लेकर खादती सॉरी धर्म चर्चा कर तुम आगत, यहाँ तक। उसने जोर से कहा अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं, दूर हटो। विलाव बहुत चालाक था, वह नम्र स्वर से कहा डरो मत, मैं अब धर्मशील और मांस का भक्षण नहीं करता हूँ, अर्थात अब मैं मांसाहारी नहीं हूँ। आप भी दयालु धर्मनिष्ठ और वृद्ध हैं, मैं यहाँ आपके साथ धर्म चर्चा अर्थात धर्म के बारे में चर्चा करने आया हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। गृध्र तस्मिन दुष्टे विश्वासम अकरोत, यहाँ से लेकर खादती खादती समा। गिद्ध ने उस दुष्ट पर विश्वास किया, वह प्रतिदिन वहाँ आता था, गिद्ध के साथ बातचीत करता था। अवसर पाकर वह पक्षियों के बच्चों को खाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। सतेषाम अस्थिनि गृध्रस्य कोटरे क्षिपति समा। वह उनकी हड्डियों को गिद्ध के कोटर में रख देता था अर्थात रखता था। नेक्स्ट। स
नित्यम अपत्य नासेन खगा दुखिता आभवन। यहाँ से लेकर ग्रीध्रम आ मारियन यहाँ तक। गिद्ध ने सॉरी प्रतिदिन संतानों के नाश से पक्षी दुखित हुए। उन्होंने सोचा कैसे हमारे संतान प्रतिदिन नाश हो रहे हैं, कहीं यह रक्षक ही भक्षक हो गया है। गिद्ध के क्वार्टर में बच्चों की हड्डियों को देखकर उनको विश्वास हो गया यह कृतघ्न मृत्यु दंड के योग्य है। ऐसा निश्चय करके वे मिलकर उस गिद्ध को मार डाला। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ एवं निरअपराध यहाँ से लेकर नहीं विश्वास योग्य। इस प्रकार निरअपराध गिद्ध पक्षियों द्वारा मारा गया और अपराधी बिलाव वहाँ से भाग गया। यह सत्य है अर्थात यह सत्य कहा गया है दुर्जन या दुष्ट विश्वास योग्य नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एक्सरसाइज। थैंक यू।